हम विद्यार्थियों को और एक मिनी वीडियो सेशन में स्वागत करते हैं। इस सेशन में हम ये कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास 3 अनइक्वल नंबर्स है, उन 3 नंबरों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है उसे फाइंड आउट करके हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें 3 अनइक्वल नंबर्स में स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें 3 मेमोरी लोकेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहला मेमोरी लोकेशन हो सकता है ए, दूसरा हो सकता है बी और तीसरा हो सकता है सी। तो हम तीनों नंबर ए बी सी के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा माइंड जो है, अगर तीन नंबर में से सबसे छोटा नंबर पता करना चाहता है तो वो कैसा करेगा। तो अभी इससे शुरू कर दीजिए। अभी हमने आपको नंबर 2 दिखाया, तो आपका मन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? अब छोटा नंबर होगा 2। तो आपका मन में एक जगह बना रखा है जिसमें लिखा है कि सबसे स्मॉलेस्ट यानी स्मॉल नंबर है 2। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको अगला नंबर दिखाऊंगा। अगला नंबर है -1। जब आपका मन -1 देखेगा तो क्या करेगा, 2 को हटा के -1 को अभी सबसे छोटा नंबर करके स्टोर करेगा। अब -1 के बाद और एक नंबर आपको दिखाऊंगा। अब नंबर देख लिया आपने 0। अब आपका मन -1 से 0 नहीं बदलेगा, क्योंकि आपका मन में यह है कि -1 0 से छोटा है। इस कारण अभी -1 सबसे छोटा नंबर करके आपका मन प्रिंट करेगा। तो अगर हमें लॉजिक डेवलप करना है सबसे छोटे नंबर फाइंड आउट करने के लिए, एक सबसे आसान तरीका ये है कि हम 3 वेरिएबल ले लें जिनका नाम है ए बी और सी, और एक चौथा वेरिएबल ले लें, फोर्थ मेमोरी लोकेशन, जिसका नाम है स्मॉल। तो सबसे शुरुआत में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं केवल एक ही नंबर को देखूंगा, यानी ए को देखूंगा। जब मैंने ए देखा है तो मेरे मन में सबसे स्मॉलेस्ट या छोटा होगा ए, तो मैं इनिशियली ए को सबसे स्मॉलेस्ट या मैं अज्यूम करूंगा कि ए ही सबसे छोटा है। इसके बाद मैं बी को देख लूंगा। जब मैं बी देख लूंगा तो मैं ए से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं इस स्मॉल से कंपेयर करूंगा। अगर बी स्मॉल से छोटा है तो स्मॉल का पिछले वैल्यू हटा के बी का वैल्यू इसमें कॉपी करूंगा। फाइनली यानी लास्टली मैं सी को देखूंगा। जब सी देखूंगा, मैं सी का जो वैल्यू है इसे स्मॉल से कंपेयर करूंगा। अगर ए वैल्यू स्मॉल से छोटा है तो इसे हटा के -3 को यहां लाऊंगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसका प्रोग्राम का लॉजिक। सबसे पहले हमने डिक्लेयर कर दिया 4 वेरिएबल ए बी सी और स्मॉल। ये चारों वेरिएबल 4 मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यूजर से ए बी और सी का वैल्यू मांग रहा हूं। तो ए का वैल्यू हो सकता है 3, बी का -1 और सी का -3। मैं स्मॉल इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे स्मॉल डिस्प्ले करना है या कैलकुलेट करना है। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने पहले बताया था, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा सबसे छोटा वैल्यू है ए, क्योंकि मैंने अब तक दूसरा कोई वैल्यू देखा ही नहीं है। तो अब मैंने अज्यूम कर दिया 3 सबसे छोटा है, तो अभी स्मॉल में हो गया 3। अगला स्टेप पे मैं क्या करूंगा, बी के अंदर जो वैल्यू है इसे मैं स्मॉल के वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगा। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इफ बी लेस देन स्मॉल, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा नया स्मॉल बनेगा बी का वैल्यू। ठीक है, ये इफ कंडीशन खत्म हो गया। तो मैंने अब तक ए प्रोसेस कर दिया, बी भी प्रोसेस कर दिया, अभी केवल हमें सी प्रोसेस करना है। तो सी के लिए भी मैं क्या करूंगा, इफ सी लेस देन स्मॉल तो मेरा नया स्मॉल बनेगा सी। और इसके बाद स्टेप नंबर 6 में मैं जो सबसे छोटा नंबर है उसे प्रिंट करूंगा और मैं स्टॉप कर दूंगा। तो ये था स्मॉलेस्ट इज स्मॉल, यानी इसमें अगर प्रिंट करना है तो -3 प्रिंट होता और प्रोग्राम हॉल्ट होता। तो जैसे हम पहले करते जा रहे, एक टेस्ट केस लेके, एक टेस्ट वैल्यूज लेके इस लॉजिक को हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमने क्या कर दिया, ए बी सी और स्मॉल को हमने इनिशियली 0 नहीं बनाया इस प्रोग्राम में,
क्योंकि हमने जीरो नहीं बनाया है, कंप्यूटर इन्हें जो मन चाहे वो वैल्यू दे देगा, मतलब उसके पास उस मेमोरी लोकेशन में क्या नंबर है ए बी सी आर स्मॉल उस नंबर ले लेंगे। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर डाला है क्योंकि मुझे पता नहीं कि कंप्यूटर कौन सी नंबर देने वाली है ए बी सी और स्मॉल को। अगला स्टेप पे मैं रीड करूंगा, स्टेप नंबर टू पे ए बी सी, ए को वन बी माइनस थ्री सी हो गया जीरो। अब स्टेप नंबर थ्री पे हमने क्या कर दिया है, स्टेप नंबर टू तो हो गया, स्मॉल का वैल्यू अभी तक स्टेप नंबर टू में चेंज नहीं हुआ है। स्टेप नंबर थ्री में क्या है, ए का वैल्यू हम केवल ए का वैल्यू प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया ए का वैल्यू स्मॉल में कॉपी कर दिया क्योंकि हम अब तक एक ही नंबर देख चुके हैं और उसी नंबर को हम सबसे छोटा या स्मॉल अज्यूम कर रहे हैं। तो अभी हमारा स्मॉल बन गया तीन, ठीक है, तो अभी थ्री प्रोसेस हो गया। स्टेप नंबर फोर में क्या हो गया, अभी हम बी प्रोसेस करने वाले हैं, इस नंबर को हम प्रोसेस करने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे, माइनस वन को थ्री से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि माइनस वन थ्री से छोटा है, अगला स्टेप में मेरा स्मॉल होगा माइनस वन। तो ये हो गया स्टेप नंबर फोर में, ये चेंजेस आप देख सकते हो। अब केवल बचा है सी को प्रोसेस करना, तो अभी मैं क्या करूंगा, इस स्टेप माइनस थ्री को माइनस वन से कंपेयर करूंगा क्योंकि माइनस थ्री माइनस वन से छोटा है। स्टेप नंबर फाइव में आप माइनस वन रिप्लेस हो गया माइनस थ्री से, और जब स्टेप नंबर सिक्स में मैं स्मॉल प्रिंट करूंगा माइनस थ्री आपका आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो ये था एक सिंपल सा लॉजिक, केवल इफ स्टेटमेंट यूज करके हमने स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स फाइंड आउट कर दिया। खुद आप कोशिश कीजिए, इसी लॉजिक लगभग यही लॉजिक होगा, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ फाइव अनइक्वल नंबर्स। आप कोशिश कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, उसमें सिर्फ स्टेप्स बढ़ेंगे लेकिन लॉजिक लेसर देन की जगह ग्रेटर देन होगा। आप प्लीज़ खुद प्रॉब्लम सॉल्व करना अवॉइड मत कीजिए क्योंकि जब हम बता रहे हैं आपको काफ़ी आसान लगेगा क्योंकि हम ये 30 साल करते आ रहे हैं लेकिन आप अभी शायद 30 दिन भी नहीं किए हो या 30 घंटे भी नहीं किए हो। तो इसलिए आप इसे कोशिश कीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप प्रोग्रामिंग लॉजिक में चैम्पियन बनोगे, और चैम्पियन बनने के बाद आपको अच्छे जॉब मिलना लगभग क्या गारंटीड है 100%।